जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मज़हर खान साहब हैं और ये पिछले कुछ अरसे से ऐसे बिस्तर पे लगे हैं, अचानक इनको टीबी डायग्नोज हो गई, इनके लंग्स में पानी भर गया, शुगर अजीब सी हो गई, कभी कम कभी ज्यादा। जो साहब 5 वक्त की नमाज बा जमात पढ़ते रोजाना जोहर से लेके मगरिब तक मस्जिद में कुरान पाक पढ़ते रहते, एक ऐसा वाकया हुआ इनके साथ जिसके बाद से ना, तो उस वाक्य के बाद से एकदम ही ना इनके साथ ऐसा, जिसने मुझे भी सोच में डाला, क्योंकि वाकया ही कुछ ऐसा है यार। अब इनके बेटे हैं जिन्होंने ये ना मुझे सारी बात बताई है अपने पापा अबू के मुताबिक। कहते भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बाउंड्री के अंदर हम रहते हैं, उसमें घर भी है मस्जिद भी है, तो मेरे अबू 5 वक्त बाद जमात नमाज पढ़ते और जोहर की नमाज के बाद मस्जिद में ही बैठ के कुरान पाक पढ़ते, असर की नमाज होती फिर बैठ के मगरिब तक पढ़ते और घर आ जाते, ये इनकी रूटीन। कहते हैं अभी बीच में क्या हुआ कि ये जोहर की नमाज पढ़ने के बाद अकेले मस्जिद में बैठे कुरान पाक पढ़ रहे थे, तो बाहर से इनको एक लेडी नर्स ने आवाज दी। अच्छा, क्योंकि हॉस्पिटल की बाउंड्री है उसमें घर भी हैं, जैसे हमारे जिना है सिविल है मिसाल के तौर पर, लियाकत में भी काफी घर है, सही, इनमें से कोई। अब ये गए बाहर तो लेडी नर्स ने इनसे कहा कि मुझ पर दम कर दें, मेरे कंधों में और मेरे सर में शदीद दर्द है। अच्छा जी, वो गैर मजहब थी, मुसलमान भी नहीं थी। अच्छा जी, तो वो तो दम नहीं कराते। अब उन्होंने इनसे कहा दम कर दें, इन्होंने कभी किया नहीं था आज तक। पहली बार इन्होंने क्या किया कि इनको जो आयात आती कुरान पाक की इन्होंने पढ़ के उन पर फूक, ठीक, जैसे ही फूकी वो कहती हैं एक बार और कर दें। अच्छा, इन्होंने एक बार और दम कर दिया। अब बताते हैं कि वो 10-12 कदम आगे ही गई थी अभी, मतलब जैसे आपने दम दोबारा कर दिया जी शुक्रिया बड़ी मेहरबानी, वो जाने लगी, कहते 10-12 कदम ही वो चली होंगी कि मेरे सर में और मेरे कंधों में दर्द होना शुरू हो गया। अच्छा, 10-12 कदम मतलब शायद 1 मिनट भी नहीं, फौरन जो दर्द उसको था वो दर्द इनको होना शुरू हो गया, और ऐसा हो गया कि इनसे बैठाना जा रहा। ये लेट गए मस्जिद में, उसी वक्त जो लोगों ने देखा इन्होंने बुलाया, आवाज दी, डॉक्टर को बुला लिया मस्जिद में कि इमरजेंसी हो गई। इतना इमरजेंसी हो गई, यही तो मैं कह रहा हूं, इसको इत्तफाक कहेंगे। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उस लड़की नर्स ने इन्हीं को क्यों बुलाया, क्योंकि ये इमाम मस्जिद है नहीं, ये मौजिद है नहीं, क्योंकि हम नमाज मस्जिद जाते तो हर बंदा दम भी नहीं करता जी, इमाम मस्जिद करते हैं, मौजन करते हैं, या फिर आप मोहल्ले में जिसको बेहतर जानते हो तो अजनबी भी दे दो, इनको क्यों टारगेट किया उन्होंने? चले एक ख्याल ये कि अकेले थे मस्जिद में, अकेले थे, एक ख्याल ये कि शायद कोई और नजर नहीं आया हो, ये दिखते भी माशाल्लाह, ये देखो ये है यार, हाँ ये है, लेकिन ऐसे हमें मस्जिद में माशाल्लाह बड़े प्यारे बुजुर्ग मिलते हैं, लेकिन हम किसी से नहीं कहते। अब उन्होंने ये कह दिया, इन्होंने कर भी दिया, जैसे ही वो गई जाने लगी इनकी ये हालत हो गई। और क्या हुआ, इनके बेटे बताते हैं कि भाई अब इनकी ये हालत है, टीबी, लंग्स में पानी, शुगर कंट्रोल में नहीं, उसकी वजह से ये नापाक रहते हैं, मतलब जो बंदा 5 वक्त की नमाज अब वो पाक भी नहीं रह पाता। लेकिन जो परेशान करने वाली बात है ना वो ये कि आधी रात को कहते हैं बस बहुत हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अब इनके बेटे पूछें क्या नहीं हो सकता, बोले मुझे वो बहुत तंग करता है। तो कौन तंग करता है? बोलता अमर नाम है उसका। ये क्या अमर? मेरे ख्याल से हिंदू बरादरी में नाम होता है ये, मुसलमानों में तो नहीं होता। अमर का लफ्ज होता है जो जिसको मौत ही ना है, उर्दू में तो ये मायने होते हैं शायद अमर हो गया, बल्कि हिंदी में भी यही कहा जाता है शायद अमर हो गया,
अब जी कहते हैं अमर नाम है उसका, वो मुझे बहुत तंग करता है, वो कहता है तुमने मेरे बच्चों को मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दो एंगल्स हैं, एक कि उस खातून के ऊपर कोई जिन्नात थे, असरात थे, जो इन्होंने दम किया, इन्होंने पढ़ाई की, और उस खातून पर जो असरात थे वो ख़त्म हो गए, उनके जो बच्चे थे जिन्नात के वो मारे गए, और जो जिन था बड़ा अमर वो इन पर आ गया। एक एक समझने स्कूल ऑफ थॉट कहने या एक जो है वजह, क्योंकि जिस्म और कंधों का भारी होना जो है वो एक निशानी होती है। हम पुरुषार्थ जगहों पर जब जाते हैं ना, हम पर भी असर आता है ये चीज़ आपकी कलपटियाँ भारी होती है जी, आपकी बॉडी लैंग्वेज डाउन होती है, बॉडी रिफ्यूज करना शुरू हो जाती है आपको ना, असरात होते हैं। अब वो खातून पर वो दर्द नहीं था, शायद वो असरात थे जो आधे शायद इनकी पढ़ाई की वजह से खत्म हो गए, जो बाकी थे वो इन पर आ गए। एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये। दूसरा के कहते ना वसवसे डालता है शैतान, क्या इनको टारगेट किया गया? क्योंकि इनके बेटे बताते हैं भाई कि अक्सर ना इनको मसाइल आते हैं, कभी इनकी चप्पल गायब होती है मस्जिद से, जो कुरान पाक ये पढ़ते हैं वो इनको मिलता नहीं, कभी इनकी चप्पल छत से मिलती मस्जिद के। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी शैतान में इतनी ताकत है कि वो मस्जिद के अंदर आके इस तरह का कोई अमल कर सके, खासकर कुरान पाक को कहीं आगे यहाँ से वहां कर सके, मैं नहीं मानता इस बात को, मेरा नहीं ख्याल। वो शरारत तो शायद लोग पढ़ते हो और लोग भी पढ़ते होंगे, बाजू की सबका होता ना, आवामी होता है, घर से लेके तो नहीं जाते, तो कोई भी पढ़ के इधर उधर रख देता होगा, लेकिन चप्पल चोरी होना तो है ही प्रॉब्लम ना, छत पे मिलती शरारत के तंग करना। आप भी मिले हैं, असल में है हमारे बड़े प्यारे हैं, तो लोग उनके पास आते हैं ना परेशानियां लेके, तो उनको सदका दे देते हैं, सदका बकायदा, ये सदका आप इस दिन दे देना किसी भी जरूरतमंद को, जिसको भी आप समझो हस्बे तौफीक, तो करम हो जाता है फिर, ठीक। फिर कुछ लोग बता भी देते हैं आप ये पढ़ लें, करम हो जाएगा, ठीक है। तो उनकी जो बड़ी बहन है ना, वो उनको सख्ती से मना करती, कहती है तुम जो ये लोगों को इतनी मदद करते हो, तुम्हें नहीं पता यार इनकी बलाएं तुम्हारे पे आती हैं, तुम्हारे बच्चों पे आती हैं, इनकी जो बलियात आफात है ना वो तुम अपने ऊपर ले लेते हो, किसी ना किसी शक्ल में भुगतते हो तुम नहीं, जो तुम्हारी औलाद कहीं ना कहीं ना इनके असरात आते हैं, तो मत किया करो ये। ये मैंने लिटरली सुना। तो क्या मजहर साहब ने उस खातून की जो मदद की, तो क्या उसके असरात अपने ऊपर ले लिए? ये तो है पॉसिबल कि जब आप नेक राह पे चलते हैं तो मुश्किलात तो आती हैं, सही, ये तो हकीकत है, आजमाइश है इसमें और मुश्किल से, और जब इन्होंने दम भी नहीं किया, जब इन्होंने दम किया कि जबान की इतनी माशाल्लाह तासीर है कि वो चीज़ बता रही है, वो चीज़ ख़त्म हो गई। मैं आपसे कहता हूँ ना कि अल्लाह वाला दम करे तो चुटकी में ख़त्म हो जाती है ना, किसने कहा ख़त्म हो गई? कह रहे जल गए उनके बच्चे मर गए, इन्होंने बताया ना, ये कह रहे हैं तुमने बच्चों को मार दिया मेरे, क्योंकि दम मैंने आपसे कहा ना कि जो अल्लाह वाले होते तो पढ़ते ही उनकी कब से भी बात करें, तो अब वाक्य आया कि मैंने भी पढ़ा था कि वो तो सेकंड तो मैं एक मुर्शिद उन्होंने भेजा था कि अपने को ना कि कभी उस्ताद को बुलाओ, उसके काबू नहीं, उस्ताद ने देखा कि जलाली आँख से उन्होंने आयत पढ़ी होगा, तो मुझे उनका ये मामला लग रहा है, लेकिन लाजमी पीछे कबीले हैं 30-35 केस आपको याद नहीं है? जी जी कैसे सही हो गया माशाल्लाह से। तो अब ये क्या कहते हैं कि है लाजमी पूरा कबीला ये चीज़ें हैं वो भी ट्रैप करते हैं, क्योंकि लाजमी एक रूहानी ताकत है, एक जंग है ना, शैतानी जंग है। तो ये कि इनमें कुछ ऐसी इल्मियात होंगी जो उन्होंने कहा कि भाई इसको बाउंड करो। एक तो ये होता है ना कि इंसान से ना कोई गलती हो जाए, मैं इसको गलती नहीं कहता, पूछे क्यों, पॉजिटिव काम किया आपने बिना मतलब बेलॉस, किसी की मदद की आपने, मदद की किसी की, अब उसके नताइज चाहे जैसे भी आ रहे हो ना, तो आप इस बात पे मुतमईन है कि मैंने तो भला किया था, सही, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया था, मैंने तो कुछ ज्यादती नहीं की किसी के साथ, मैंने तो गलती नहीं की। कोई भी जरूरतमंद आ जाए, कोई भी चीज अगर आपने उसका भला किया, यार हम नहीं चले जाते कहाँ कहाँ, नहीं अभी गए तो नहीं, सिर्फ इस बात पे कि नहीं यार
किसी का भला हो जाए। आप लेके गए थे जहाँ पे कहते जिनहर किसी को मार रहा है, हम गाड़ी में आपकी मुंह शक्ल देख रहे थे, कहते जो जो जाता है प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, जो इलाज करता है वो मारा जाता है, सिर्फ इसलिए कि उनका पैगाम पहुंचा दें प्यारों तक, ये कोशिश है। तो अगर इस कोशिश में ऐसा हो रहा है तो मैं तो कहता हूँ मुबारक हो कि आप किसी की भलाई में काम आए, मदद की आपने। लेकिन एक बात और मैं आपसे अर्ज करता हूँ, जैसे मैं कहता नहीं कि यार ये काम करवाए जाते हैं, देखिए आपने कभी दम नहीं किया किसी के ऊपर, ठीक, और इसी तरह ये जो लोग दे देते हैं ना, ये पढ़ लेना इतनी बार, ये पढ़ लेना इतनी बार, मैंने अगर कोई सोशल मीडिया पर देख लिया है कि भाई लिखा हुआ ये इतनी बार पढ़ लो ये हो जाएगा, ये इतनी बार पढ़ लो खजाना मिल जाएगा, ये इतनी बार पढ़ लो माल आ जाएगा, सोना बन जाएगा, जो अक्सर सुहेल भाई भी जिक्र करते हैं, अब अगर तो मैं उस पर अमल करूंगा बगैर किसी परमिशन के, बगैर किसी जो मुझसे बेहतर है उसकी इजाजत के, मैं तो नुकसान उठाऊंगा उठाऊंगा, और मैं दुनिया को जो बता रहा हूँ ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो वो भी नुकसान उठाते हैं। खासकर ये जो खुद से वज़ाइफ पढ़ लेना बहुत ज़्यादा, ये ऐसा नहीं है, मैं मिसाल दूँ प्रैक्टिकली अगर कि अगर एक सर के दर्द से गोली से ठीक हो सकता है तो उसको क्यों इतना बड़ा इंजेक्शन लगाना डॉक्टर के पास, अक्सर केस बिगड़ नहीं जाते। ये प्रैक्टिकली भी आप देखें, एक चीज जो नॉर्मली ठीक हो सकती थी आप हैवी डोज दे देते हैं, नुकसान हो जाता है। आप देखिए ना कि वही गोली की बात करें, एक गोली सर दर्द से खतरा, आपने एक में 10 गोलियां खा ली, अब आप 700 गोलियां पढ़ लें, 700 गोली 700 दफा पढ़ लें तो उसका एक जलाल है, एक वकार है, उसके मुक्कलात हैं पर्टिकुलर। अच्छा एक चीज़ और पूछनी थी, इनकी उम्र भी काफ़ी है, तो इस उम्र में भी इस तरह की चीज़ें बीमारियाँ जो तस्वीर में देख रहा हूँ लगती हैं, एक होती हैं, एक प्यारे नबी ने भी फरमाया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर इंसान बीमार हो के हो तो उसके गुनाह झड़ते हैं, उसके वो अल्लाह उसको पाक करता है, साफ करता है, तो ये भी एक अलग मामला है ना इन चीज़ों में। मैं सबसे पहले इनको ये जवाब देने वाला था, एज फैक्टर जी, माशाल्लाह 70 साल उम्र है इनकी। जी 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 जी, एज इशू, एज फैक्टर तो बेसिक है ही, उससे तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो उन्होंने वाकया बताया ना कि शिराज भाई 10-12 कदम, सही, इसने मुझे सोच में डाला जरा, चली जाती अगले दिन थोड़ी देर बाद, मतलब चंद लम्हों में जो रिजल्ट आया ना, और ऐसा आया कि उसी जगह मस्जिद में बैठे हुए थे वहां लेट गए। मैंने किसी का मीठा खाया था, पड़ी हुई थी, मुझे बाद में पता चला, तो मैं स्टेशन तक गया हूँ, कितना होगा 15-20 मिनट का वास्ता हो, तो मेरे सर में पिंडियों में दर्द हो गया था 15-20 मिनट में, और मुझे मैंने नहीं होना तो शुरू हो गया था वो मुझे 15-30 मिनट, लेकिन मैंने ये पकड़ में 15-20 मिनट बैठ जब मुसलसल हो रहा, मैंने बताया कि भाई मैंने लास्ट खुराक ये ली है और इस जगह से ली है, उन्होंने मुझे फ़ौरन ही यासीन शरीफ का पानी पिलाया, और मुझे खास 2 दिन मुझे लगे इस चीज़ को सही होने में। अब इतनी जल्दी, अच्छा इनका इलाज भी हुआ है, अच्छा रूहानी इलाज भी करवाया उन्होंने, काफ़ी कोशिशें कर ली अपनी, लेकिन ये जो रात को कह रहे ना मुझे वो अमर नाम का जो है वो मखलूक है, जिन है, मौकिल है, क्या है, वो कह रहा है कि तुमने मेरे बच्चों को मारा। अच्छा जिनके पास अपने भी मौकिलात होते हैं ना, जिनके पास अपने भी होते हैं, तो उनको भी रात में ना वो लोग मतलब बुढ़ापे की उम्र में ना वो उनकी खुराक नहीं दे पाते, ऐसी खुराक होती है ना बाकायदा पूरी ना पेश ही जाती है, लेकिन वो ये तो नहीं कहता कि मेरे बच्चों को मारा तुमने। हाँ ये कह रहा बात है कि वो फिर क्योंकि बुढ़ापे में बंदा कमज़ोर होता ना। अब बात यह है कि सारी वजूहात हमने आपको शेयर की आपसे, जो जो हमें लगता था, जो जो तमाम एंगल्स थे हमने आपसे शेयर किए, तो बड़ी मोहब्बत से जी, बड़े यकीन से इन्होंने हमसे वाक्य शेयर किया, नाम बताया, तस्वीर आपके सामने है, वाक्य पूरा आपके सामने है, इनकी जो सारी एक समय में मसरूफियात थी वो भी आपके सामने है। अब हम किसी पर शक नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि वो जो खातून हैं उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया, क्या पता उनके ऊपर कहीं से असरात हों जिन्होंने अपने ऊपर ले लिए, ठीक, और क्या पता ये इनकी एज की वजह से इस तरह के मामले हो गए इनके साथ, जो तबीयत का मामला है इस तरह। लेकिन जो चीज़ मुझे एक प्रॉब्लम, एक वाक्य भी याद आ रहा है, हूँ मैं नहीं तो तू नहीं, वो जो एक लड़की पे हो गया था वाक्य, जाबिर साहब भी गए थे तो उन पे भी इनकी भी जान के खतरे में आई। वो तो एक बात देखे ना, ये बात मेरे पास सामने कई वाक्यात आए कि हम गए भी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर जिस साहब ने उनका इलाज करने की कोशिश की ना, वो अल्लाह को प्यारे हुए, 5 लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके। हमने महमूदाबाद में वाक्य शेयर किया था, कयूमाबाद पे वाक्य शेयर किया था, पठान फैमिली का,
छठे हम थे जाने वाले, सही 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 सही, गर्म हो गया। लेकिन हैं ऐसे वाकयात, इसीलिए कई आमिर हजरात आलिम हजरात ना मना भी कर देते हैं कि हमारी पहुंच से बाहर है, हमारी दस्तरस से बाहर है, हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ये होता है कि वो जो चीज़ है वो हमारे काबू से बाहर है, वो जो मखलूक है ना वो ज़्यादा ताकतवर है, हमारे पास वो भी इल्म नहीं। सही है, साफ बात, सीधी बात, डॉक्टर नहीं कह देते आप बड़े हॉस्पिटल चले जाएं, सही सही, आप बड़े सर्जन से राबता कर लें, डॉक्टर्स भी कह देते हैं ना, अच्छी बात है, साफ बात कर दें, वो नहीं 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 मैं कर दूंगा, वो तो फिर बेचारे ना करते तो वो है, हमें लेट बताया तो हम भुगत रहे ना आज तक, हमें 7 दिन बाद बताया था कि आप अलग अस्पताल में चले, 7 दिन अपना वो ना होता तो ये ना होता, ये ना होता तो फिर ऐसा ना होता। बहरहाल तो इसमें कोई वो बात नहीं है कि अगर आप नहीं कर सकते, आप साफ कह दें कि नहीं जी हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो इससे बात ही समझ आती है कि अब यार इन्होंने तो पॉजिटिविटी की ना। हाँ नेक कदम है, लेकिन अच्छा है माशाल्लाह। लेकिन बेहतर ये होता कि आप ये कह देते कि मैंने कभी किया नहीं, इमाम साहब से आप रابطہ कर लें, मौज़िन साहब से रابطہ कर लें। अक्सर हम देखते हैं जी, जो हमारे गैर मज़हब लोग देखते हैं, मैं बता दूं कि अक्सर जो कुरान पाक पढ़ाते हैं हमारे कारी साहब, मौलवी साहब, मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ाते हैं इमाम साहब, मौज़िन साहब जो अज़ान देते हैं, तो ये इनका माशाल्लाह ज़बान पर ज़्यादातर कुरान पाक होता है, तो हम इनसे ज़्यादातर कह देते हैं कि जी बुरी नज़र होगी शायद किसी की, आप दम कर दें, सही, तबीयत ज़रा बेहतरी नहीं आ रही, आप दम कर दें, बच्चा सुस्ता लग रहा है, आप दम कर दें, सही। ये क्या है, वो क्या करते हैं, वो कुरान पाक पढ़ते हैं, तो उसकी बरकत से ना, जैसे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पानी पे फूंक के या खाने पे फूंक के फिर खाते पीते हैं, तो वो हमारे लिए बाइस बरकत बन जाता है, साइंस ने भी साबित कर दिया इस बात को, तो हम इसीलिए दम करवाते हैं कि वो जो अल्लाह पाक का कलाम उस पर फूंका जाएगा ना, वो बरकत हो जाएगी, बेहतर हो जाएगा, और हो भी जाता है। यही कोशिश इन्होंने की, हालांकि मेरे ख्याल से ये इतना तो कह देते कि मैंने कभी किया नहीं है, मस्जिद में ही है, अभी असर में इमाम साहब आ जाएंगे या मौजिन साहब आ जाएंगे, अजान आप उनसे कह दीजिएगा, इन्होंने कर दिया और एक नहीं दो बार कर दिया, और करने के फौरन ही बाद जो है ना इनके साथ ये मामला हो गया। अब इसको इत्तफाक भी कह सकते हैं कि क्या पता इनकी एज की वजह से ये मामला आता है, लेकिन जो अमर नामी वो है वो क्या है, वो क्यों कह रहा है कि तुमने मेरे बच्चों को मार दिया, यही कुछ सर जोबला के बयान बताता रहा हूँ, दम करने से कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, उतर जाती हैं, और अब मौलवी साहब का जिक्र करें तो बच्चे पास को तो हमारे भी हो जाते हैं, पढ़ने आते हैं, तो मैंने तो भी देखा कि इमीजिएट वक्त पर फौरनी असर पड़ता है, लेकिन वो माशाल्लाह से हाफिज़ हैं तो उनमें इल्म की ताकत ज़्यादा है। मैंने आपको वाक्य भी शेयर किया था कि मैंने गाड़ी में बिठाया था तो मुझे लगा गाड़ी जाम चल रही है, तो उनको इल्म की ताकत होती है, उन लोगों के साथ मामला होते हैं, अब वल्लाह आलम कि ये क्या पेशीदा मामला है। तो जी हमारे प्यारों तक बात पहुंची है, दुनिया में देखने वाले हैं, कई तजर्बा भी रखते हैं इस तरह का, कई ऐसे वाकयात हुए भी हैं, तो जो सबक मिलता है इससे वो ये कि जब तक आप ये ना महसूस करवा दिया जाए ना आप कि हाँ आप इस चीज़ के अहल हैं, तब तक आप वो ना करें। ये मुझे जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो फरमान भी है, हदीस भी है, कि हदीस का मुझे कन्फर्म नहीं मफहूम है कि जिस काम की ताकत नहीं रखते ना उस काम में हाथ मत डालो, चाहे वो कोई बेहतर एक्सक्यूज कर लो कि उससे बेहतर मुझसे बेहतर वो कर लेंगे, या आप वो मैं उनको जानता हूँ, आप उनसे रابطہ कर लें, आप उनको देख लें, वहाँ पे ये साहब हैं, मैं जानता हूँ, सुना है, तो ये कह दें आप, ये ना कहें कि जी मैं कर दूंगा, उसमें ना फिर मसला आता है। कौन भी ये कि अगर आप मना कर दो तो आधा इल्म की निशानी है, वाह क्या आप कह दें कि मैं ये चीज़ नहीं जानता, माशाल्लाह। तो बहरहाल जी अल्लाह करे कि ये एज का ही मामला हो, एज की वजह से जो हो जाते हैं मामला वो हो, और कुछ समझ के जी इन्होंने हमें शेयर किया, इनका गुमान है कि हम तक बात पहुंचाएंगे, बात आप तक पहुंचेगी, अपने बड़े प्यारे लोग हैं, हमारे मेहरबान तक बात पहुंचेगी, तो करम हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक इनके गुमान के साथ है इंशाल्लाह। फरमाते हैं तुम अल्लाह से जैसा गुमान रखोगे तुम्हारे साथ वैसा ही मामला होगा। अब इनको लगता है यहाँ तक बात पहुँचेगी, बात पहुँच गई है, फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रहे इंशाल्लाह होगी मुलाकात, अस्सलाम वालेकुम।